बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट टू बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंप्यूट चेन इंडिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ईयर्स हमारे पास दिए गए हैं और साथ ही प्राइस गिवन है ए, बी और सी की। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने पढ़ ली है, लेकिन सोल्यूशन पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि ये फिक्स मेथड है या चेन मेथड है। खुद ही गिवन है, कंप्यूट चेन इंडिसेस, चेन का लफ्ज आ गया, इट्स मीन ये कौन सा मेथड है, चेन मेथड। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इससे पहले भी हम 4-5 लेक्चर कर चुके हैं चेन बेस मेथड के, और चेन बेस मेथड में हमारे पास 3 तरह के केसेस होते हैं। नंबर 1 कि बेस ईयर गिवन होता है, सेकंड बेस ईयर गिवन नहीं होता, और थर्ड प्राइस रिलेटिव्स गिवन होती हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहां क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि चेन इंडिसेस तो फाइंड करें, लेकिन हमारे पास बेस ईयर गिवन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं, हम पहले यहां लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद हम यहां लिख लेंगे ईयर्स। जो ईयर्स हमारे पास गिवन है वो 2008 से 2011 तक, हम लिख लेंगे 2008, 2009, 2010 और 2011। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्राइस गिवन है वो 3 चीजों की गिवन है, ए, बी और सी। तो हम यहां लिख लेते हैं ए, बी और सी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस तरह इससे पहले जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 11 का, वो फिक्स्ड बेस मेथड था और उसमें 4 चीजें गिवन थी, ये चेन बेस मेथड है और इसमें 3 चीजें गिवन है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फिक्स्ड मेथड हो या चेन मेथड हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी तो आप लोग समझ जाइएगा ये मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज वाले क्वेश्चन है, बेशक फिक्स्ड मेथड हो या चेन मेथड हो। अब यहां हमारे पास चेन मेथड तो है, लेकिन जो चीजें हैं वो एक से ज्यादा है, यानी 3 चीजें हैं ए, बी और सी। लेकिन यहां स्टूडेंट्स जिस तरह बेस ईयर मेंशन नहीं है कि बेस ईयर नहीं है, साथ ही ये मेंशन भी नहीं है कि मीन एज एन एवरेज फाइंड करें या मीडियन एज एन एवरेज। तो स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज, तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी एवरेज ले लें, मीन या मीडियन। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने ईयर्स लिख लिए हैं और ए, बी और सी भी लिख लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स ये चूंकि चेन बेस मेथड है तो ऊपर क्या लिख लेंगे, लिंक रिलेटिव। अगर आपको याद हो हमारे पास जो फिक्स्ड मेथड होता है उसमें क्या लिखते हैं, प्राइस रिलेटिव, और इसमें क्या लिखते हैं, लिंक रिलेटिव। अब साथ ही मैंने ये भी कहा था जब भी फिक्स्ड मेथड हो या चेन मेथड हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी तो आपने जो क्वेश्चन होता है उसको अपनी आंसर शीट पे नहीं लिखना बल्कि डायरेक्टली सॉल्व करना है। डायरेक्टली मीन्स कि आपने डायरेक्ट सिर्फ आंसर निकाल के आपने वहां शो करने। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये चेन मेथड है लेकिन बेस ईयर नहीं है, तो ये आप लोगों को पता होगा जब चेन बेस मेथड में बेस ईयर ना हो तो जो पहले साल की वैल्यूज होती हैं वहां पे हम क्या करते हैं, डैश लगाते हैं। डैश मीन्स के कोई भी वैल्यू वहां हम नहीं लिखते जब बेस ईयर गिवन नहीं हो। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट कि हम लिंक रिलेटिव केस निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज है हम उसके लिहाज से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अब जो ए की वैल्यू है पहले तो डैश कर दिया बिकॉज बेस ईयर नहीं है। अब 2009 का जो लिंक रिलेटिव है वो क्या करेंगे, जो हमारे पास 2009 की वैल्यू है ए में, 22 डिवाइड बाय क्या करेंगे 18, यानी 22 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आ जाएगा। अब 2010 के लिए क्या करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे किस पे, 22 पे, यस। पहले वाले पे नहीं करना बिकॉज वो फिक्स मेथड में होता है, चेन वाले में क्या करते हैं कि सेकंड को फर्स्ट पे, थर्ड को सेकंड पे और फोर्थ को थर्ड पे, ये होते हैं लिंक रिलेटिव। और स्टूडेंट साथ ही मैंने ये भी कहा था कि उसके बाद आप क्या करें कि आप लाजमी नहीं है कि ये सारी चीजें वहां शो करके बताएं, बल्कि डायरेक्टली कैलकुलेटर में आंसर निकाल के भी आप सिर्फ वैल्यूज लिख सकते हैं। अब फर्दर हम यही करेंगे इसी तरह कि हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते हैं। अब फर्स्ट में तो हमने डैश लगा लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 18 पे और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 122.2। उसके बाद 28 को डिवाइड करेंगे 22 पे और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.27। और स्टूडेंट्स हम लास्ट में क्या करेंगे कि 31 को डिवाइड करेंगे
28 पे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 110.7। अब स्टूडेंट्स हम बी का भी डायरेक्टली ऐसे ही आंसर निकाल लेते हैं कि पहले का तो डैश था लेकिन सेकंड के लिए 76 को डिवाइड करेंगे 85 पे और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89.4। फिर उसके बाद 2010 के लिए क्या करेंगे कि 80 को डिवाइड करेंगे 76 पे और मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105.26। और लास्ट के लिए हम क्या करेंगे 35 को डिवाइड करेंगे 80 पे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 43.75। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को लिंक रिलेटिव की समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं सी के लिए, पहले का डैश है बिकॉज बेस ईयर नहीं है, तो नेक्स्ट के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 52 पे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115.38। उसके बाद नेक्स्ट के लिए 66 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1110। उसके बाद हम क्या करेंगे 80 को डिवाइड करेंगे 66 पे और मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 121.2। स्टूडेंट्स यहां तक हमने चेन बेस मेथड के लिहाज से क्या फाइंड कर लिए, लिंक रिलेटिव। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास चूंकि एक से ज्यादा चीजें गिवन है तो हमें जरूर मीन एज एन एवरेज या मीडियन एज एन एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि जब मेंशन ना हो तो आपकी मर्जी है कि आप मीन या मीडियन यूज करें, तो स्टूडेंट्स हम यहां मीडियन यूज कर लेते हैं। मीडियन के लिए क्या करते हैं, यहां लिख लेंगे हम मीडियन। अब स्टूडेंट्स मीडियन के लिए याद रखिएगा, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब लिखेंगे मीडियन एज एन एवरेज तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है n+1/2। अब स्टूडेंट्स पहले का तो ये है कि डैश है तो अगर क्या लगा लेंगे डैश, लेकिन नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे 2009 के लिए, अब फॉर्मूला हमारे पास n+1 है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 3 है, तो 3+1/2 यानी कि 4/2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा सेकंड वैल्यू। अब स्टूडेंट्स इससे पहले जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 11 में, उसमें जब हमने मीडियन फाइंड किया तो वहां 2.5 वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहां एग्जैक्ट सेकंड है तो क्या कर लेंगे सेकंड वैल्यू। लेकिन साथ ही मैंने कहा था कि आप लोगों को मीडियन के लिए डेटा को क्या करना पड़ेगा अरेंज। अब 2009 है तो हम यहां लिखते हैं 2009 के लिए, अरेंज करने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू 2009 में 122 है, बी की 89 और सी की 115। इट्स मीन पहली वैल्यू ये बनती है, दूसरी 115 और तीसरी 122, तो हम लिख लेते हैं 89.4 फिर 115.38 और लास्ट लिख लेते हैं 122.2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है सेकंड वैल्यू, तो अरेंज करने के बाद इसमें सेकंड वैल्यू क्या बनती है 115.38। अब स्टूडेंट सेम मैंने बताया था सिर्फ एक ईयर का शो करके बताएं, बाकी डायरेक्टली करें। अब 2010 के लिए सेकंड वैल्यू अरेंज करके, यानी हमारे पास पहली है 105, दूसरी 110, तीसरी 127, इसमें कौन सी आएगी 110। तो सेम 2011 के लिए यहाँ 110 है, यहाँ 43, यहाँ 121, इसमें अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड 110.7। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने मीडियन एज एन एवरेज फाइंड कर लिया है बिकॉज मेंशन नहीं था, सो हमने मीडियन कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले वाले जो लेक्चर थे चेन बेस मेथड के, उसमें भी आप लोग देख चुके होंगे कि चेन वाले मेथड में पहले हम क्या फाइंड करते हैं लिंक रिलेटिव, और उसके बाद एक और कॉलम होता है चेन इंडेसेस का, चेन इंडेसेस का। लेकिन स्टूडेंट यहां पे इस तरह है कि लिंक रिलेटिव पहले फाइंड करना होगा जब एक से ज्यादा चीजें गिवन होंगी, पहले लिंक रिलेटिव, उसके बाद जरूर मीन या मीडियन एज एन एवरेज फाइंड करना होगा, उसके बाद कॉलम बनाएंगे चेन इंडेसेस का। अब जब चेन इंडेसेस कॉलम बनाएंगे तो ये हम बनाएंगे मीडियन के बेस पे, यानी मीडियन में पहले आंसर क्या है डैश, तो इधर भी क्या लगा लेंगे डैश, तो जब पहले का आंसर डैश आ गया तो इट्स मीन वो तो डैश ही है। अब सेकंड से फिर शुरू करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू सेम आ जाएगी 115.38 बिकॉज पहले की वैल्यू डैश है तो डैश हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स यहां से आगे क्या करेंगे चेन इंडेसेस किस तरह फाइंड करते हैं, पहले का तो डैश है तो इसलिए सेकंड हमने सेम लिख लिया, अब सेकंड को नेक्स्ट वाले के जो मीडियन होगा उसे क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी 115.38 मल्टीप्लाई 110 और डिवाइड किस पे करेंगे 100 पे। तो इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं 115.38 मल्टीप्लाई 110 और डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 126.9। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स ये जो ये आंसर आ गया इसको नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है 126.9 मल्टीप्लाई 110.7 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं
110.7 मल्टीप्लाई 126.9 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 140.5। अब स्टूडेंट्स अगर इस मजीद आगे वैल्यू होती फिर इसको हम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर लेते। अब स्टूडेंट्स यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी।